दोस्तों, यहाँ सैमसंग ने लॉन्च कर दिया है S6 Lite टैबलेट, जो आता है अपने साथ में काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ में। और अगर मैं आपसे इसकी कीमत के बारे में बात करूँ, तो यहाँ आपको S6 Lite जो वाईफाई मॉडल है, ये आपको मिलेगा 27,999 रुपीज़ में। और जो आपका वाईफाई प्लस 4G के साथ में जो आता है, वो आपको मिलेगा 31,999 रुपीज़ की रेंज में। और दोस्तों, ये दो वेरिएंट में आपको अवेलेबल है, एक तो 64 GB और आपको और दूसरा है आपका 128 GB। और साथ में आप माइक्रो एसडी कार्ड को लगा करके एक्सपेंड कर सकते हैं आप इसको 1 TB तक। और रैम की अगर मैं आपको बात करूँ, तो दोनों ही वर्जन में आपको मिलती है 4 GB की LPDDR4X रैम का सपोर्ट, तो जिसके चलते आपको जो प्रोसेसिंग है वो काफ़ी अच्छी यहाँ देखने को मिल जाती है। और यहाँ लगा है ऑक्टा कोर प्रोसेसर 2.3 GHz के साथ में, और आपको साथ ही साथ में आपको मिल जाता है माली G73 MP3 का सपोर्ट, तो जिसके चलते आपकी जो प्रोसेसिंग है दोस्तों, वो काफ़ी बढ़िया बन जाती है यहाँ पे। और साथ ही साथ में आपको 10.4 इंच का एक TFT डिस्प्ले यहाँ देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको दोस्तों फिंगरप्रिंट देखने को नहीं मिलता है, यहाँ आपको मिलता है एक फेस रिकॉग्नाइजेशन। साथ ही साथ में आपको मिल जाता है 3.5 mm का जैक, और यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट 3D साउंड सिस्टम के लिए। और यहाँ साथ ही साथ में आपको AKG ट्यून्ड स्पीकर आपको देखने को मिल जाते हैं, तो जिसके चलते आपको जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है दोस्तों, वो काफ़ी अच्छा यहाँ देखने को मिलता है। अब जो है सैमसंग ने S6 टैबलेट जो लॉन्च किया था, वहाँ आपको दोस्तों 4 स्पीकर का सेटअप देखने को मिलता है, और यहाँ आपको 2 स्पीकर का सेटअप देखने को मिलेगा। क्योंकि यार ऑब्वियसली ये आपका 30,000 रुपीज़ की रेंज में है, और वो आपको मिलता है लगभग आपको 52 से 54,000 रुपीज़ की रेंज में, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग में तो यहाँ पे आपको 2 स्पीकर सेटअप देखने को मिलते हैं। यहाँ अगर इंटरफेस की बात करूँ, तो यहाँ दोस्तों आपको मिलता है एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट, और साथ ही साथ में 1 UI 2.0 का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि लेटेस्ट अपडेट आता है उसका डार्क मोड के साथ में, तो यानी कि नाइट में आप बहुत ही बढ़िया तरीके से इंजॉय कर पाएंगे अपने टैबलेट को। जो डार्क थीम जो दी गई है, वो काफ़ी अच्छी यहाँ देखने को मिलती है। कैमरे की अगर मैं आपसे बात करूं, तो यहाँ दोस्तों आपको मिलता है 8 MP का रेयर कैमरा, और फ्रंट में आपको मिलता है 5 MP का। और सीधा सीधा अगर मैं आपसे कंपैरिजन करूं कि इसका S6 टैबलेट के साथ में, तो वहाँ आपको 2 कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, यहाँ आपको बैक में केवल सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको मिलता है Type-C चार्जिंग पोर्ट और 15 वाट का फास्ट चार्ज। यहाँ इसकी एक और अच्छी बात है कि आपको यहाँ देखने को मिल जाता है एस पेन का सपोर्ट, यानी कि जो स्टाइलस है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, और उसको कोई चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब दोस्तों बात आती है कि क्या ये वैल्यू फॉर मनी है, तो दोस्तों मैं आपसे अगर बात करूँ सीधा सीधा, तो ये उन लोगों के लिए ठीक है जिन लोगों का बजट है एक 30,000 रुपीज़, और जो लोग मल्टीपल एक्टिविटीज़ को एट ए टाइम करना चाहते हैं, और या फिर वो लोग जो स्टूडेंट हैं और एक नोट्स या लेक्चर या फिर जो थोड़े से क्रिएटिव माइंड के हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट यूज़ में आता है। मान लीजिए कि अगर आप अभी जैसे जिस हिसाब से अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो मान लीजिए आप ऑनलाइन क्लासेस अगर आप ज्वाइन करते हैं या मीटिंग्स करते हैं, तो दोस्तों यहाँ सबसे अच्छा, और हम सब लोग जानते हैं जो गैलेक्सी की नोट सीरीज़ आती है, उस तरह से यहाँ पे आपको जो फीचर मिलता है मल्टी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का, तो जिसके चलते आप क्या कर सकते हैं कि आप 2 स्क्रीन एट ए टाइम ओपन कर सकते हैं, यानी कि ऊपर वाली जो स्क्रीन है या डाउन वाली स्क्रीन में आप अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रख सकते हैं, और साथ ही साथ में आप जो सेकंड स्क्रीन है दोस्तों, वहाँ पे आप अपने नोट्स बना सकते हैं, या फिर आपकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप वहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ एक ये काफ़ी अच्छा लगता है कि अगर एक तरह से अगर मैं आपसे बात करूँ कि अगर आपका कोई टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है, या फिर आप आपस में कोई मीटिंग की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको कोई पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं है, आप अपने इसी टैबलेट के अंदर ही आप उसको नोट डाउन करके रख सकते हैं, लिख सकते हैं। और यहाँ थोड़ा सा आपको एडिशनल एक्सेसरीज लेना पड़ता है, अगर मैं बोलूँ कि भाई एक तरह से ऑफिस में यदि अगर आप इसको यूज़ में लेते हैं, तो कीपैड वगैरह, तो दोस्तों ऑन एन एवरेज अगर मैं एक इसका जो वाईफाई वर्जन है उसकी बात करूँ, तो वो आपको मिलता है अप्रॉक्सीमेटली 27,000 का, और साथ ही साथ में आपको अगर और यहाँ अगर उसके साथ में आप कीपैड लगा लेते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली वो 3 से 4 हज़ार रुपये का उसका कीपैड आएगा, तो ऑलमोस्ट ये आपको 30,000 to 31,000 रुपीज़ का आपको देखने को मिलता है। और यहाँ जो आपको स्टाइलस देखने को मिलता है दोस्तों, यानी कि जो एस पेन है वो आता है 0.7 mm की टिप के साथ में, तो जिसके चलते जो उसका प्रेशर सेंसिटिविटी लेवल है वो काफ़ी अच्छा बन जाता है, तो आप जब कुछ भी चीज़ उसमें लिखते हैं तो बहुत ही शार्प और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप उसको यहाँ पे इंजॉय कर पाएंगे। और अगर मैं वेट की बात करूँ, तो जस्ट 7 ग्राम का उसका वेट है स्टाइलस का। इंटरेस्टिंग नोट्स वगैरह बनाने हैं, तो दोस्तों डेफिनेटली ये वैल्यू फॉर मनी है, आपको ज़्यादा कुछ कैरी करने का ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट एक ही टैबलेट के अंदर में आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, और इनफैक्ट यहाँ आपको
टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, तो यानी कि आप अपने कोई भी पावर बैंक के साथ में आप इसको बहुत ही जल्दी से आप इसको चार्ज भी कर पाएंगे। तो बस दोस्तों, ये था एक छोटा सा अपडेट आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों का कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर।